जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार हैं, ये सबका इस्तेमाल करना जानते हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तेमाल करना जानते थे और उनका कैसे इस्तेमाल करके क्या किया ये सब दुनिया जानती है, तो जीतन राम मांझी जी भी धीरे धीरे समझे कि नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने आज नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ है पूर्व सांसद और लोजपा आर के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार जी। सर, पहले तो कैसे देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं, उन्होंने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया? देखिए, जीतन राम मांझी प्रदेश के बड़े नेता हैं जी। और उनके सुपुत्र जो राजनीति में अपनी पकड़ है, लेकिन अपनी जमात को वो एड्रेस नहीं कर पा रहे थे जी। और जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार हैं जी, ये सबका इस्तेमाल करना जानते हैं। जब जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तेमाल करना जानते थे जी। और उनका कैसे इस्तेमाल करके क्या किया ये सब दुनिया जानती है, तो जीतन राम मांझी जी भी धीरे धीरे समझे कि हम और जिस तरीके से उनका इस्तेमाल ही हो रहा था, यह निश्चित तौर से वो अपने जो पीपल हैं जिनके बूते वो राजनीति कर रहे हैं या जिस जमात के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, दलित शोषित पीड़ित जमात के लिए, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ये था कि वाकलाहट में थे और उन्होंने रास्ता तय किया है। ये कदम उनको और पहले उठाना चाहिए था। वो मंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को और उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जेडीयू में उनकी पार्टी विलय कर ले, इसीलिए वो आज उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस किसी नौजवान में सत्य बोलने का साहस हो, और उनमें तो बराबर जीतन राम मांझी जी गरीबों के लिए, शोषितों के लिए आवाज़ बनते रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक नई भूमिका में उनके सुपुत्र हैं और उस जमात को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए निर्णय उनका ठीक ही है। उनको ये निर्णय पहले लेना चाहिए। कहा जा रहा है सर कि आने वाले समय में वो एनडीए का हिस्सा होंगे, क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी के लिए एनडीए का जो जगह है वो सही रहेगा? अब देखिए, ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है और वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जिस जमात को वो एड्रेस करते हैं, निश्चित तौर से उसके इंटरेस्ट उनके चिंतन के केंद्र में है जी। और जो जमात इस बात की सुरक्षा देगा, उस जमात के साथ वो रहेंगे और एनडीए आज उस जमात को जो मुख्य धारा से अलग है, उसके लिए आज अच्छा काम कर रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब ये मुख्यमंत्री थे, तो कोरोना काल में पूरी दुनिया में एक कोरोना हुआ, लेकिन इस देश में भी कोरोना सभी राज्यों को ग्रसित किया, लेकिन बिहार के लोग जिस तकलीफ में थे कि लोग पद यात्रा पर उतारू हो गए, 1000 किलोमीटर, चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना, हैदराबाद से पटना, पुणे से पटना, तो ऐसा लग रहा था कि यह कंगाल प्रदेश है और उसमें गरीब लोग ज़्यादा थे और उस त्रासदी के काल में माननीय सुशासन बाबू, जो तथाकथित सुशासन है तो जंगल राज में मंगल मना रहे हैं, लेकिन सुशासन की बात करते रहते हैं जी। तो उस परिस्थिति में उन्होंने इनकार किया। अब ये तो जीतन राम मांझी जी सपोर्ट करते रहे, लेकिन उस पीड़ा को भी उन्होंने देखा होगा और उस पीड़ा में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए संपूर्ण देश के साथ जी, तो आज विश्वसनीयता बढ़ी है, एनडीए की विश्वसनीयता बढ़ी है और उस जमात में हम समझते हैं कि वो उस जमात को जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, खास तौर पर ऐसे तो
सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता हैं, लेकिन जो डाउन ट्रोडन है, जिसकी राजनीति करते हैं, उसकी संरक्षा वहाँ ज़्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल है सर कि चिराग पासवान जी ने भी इनका स्वागत किया, जो जीतन राम मांझी के बेटे का जो फैसला है, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी जो वहाँ पे पार्टी है तमाम दलों को एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है, एलजेपी आर और चिराग पासवान की कब एनडीए में शामिल होने की घोषणा हो सकती है? देखिए वहाँ कुछ गांठ है जी, ऐसे पूरी मानसिकता और उस जमात के साथ है, और चिराग पासवान जी तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रशंसक रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसको जो लंबे दिनों से अनुत्तरित था, प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ उसे रिजॉल्व किया है। तो आज एक जो नेशनल राष्ट्रवाद का जो एक वाइब्रेंसी मिली है देश को, और इन सवालों पर बिहार के लिए बेहतर कुछ करने के लिए निश्चित तौर से एनडीए की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार को मौका मिला बीजेपी का चादर ओढ़ करके सिर्फ अपने संरक्षण में पल रहे अराजक तत्वों को संरक्षित किया, उनका विकास कराया, बालू दारू का विकास हुआ, गांव गरीब खेत खलिहान सिंचाई वहां किसानों की सबसे बड़ी प्रमुखता है, जिसमें सिंचाई में इतना भारी लूट हुआ है, एक से एक एक्सपर्ट को सिंचाई मंत्री इन्होंने बनाया। और इस अराजकता से आज जो कलंक है बिहार के माथे पर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, महिलाओं का इस तरीके का, यतीम परिवार के बच्चियों के साथ उसका इस तरह का शोषण, और न्यायपालिका ने कहा कि वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी न्यायपालिका साफ तौर पर कह रही है कि सफ़ेद पोष लोगों को बचाया जा रहा है, यानी बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े राजनेता इन कुकर्मों में शामिल थे जिनको राज्य सरकार ने बचाया है। तो निश्चित तौर से जो लोग वहाँ से अलग हो रहे हैं उनकी पाप की गठरी उनको सुपुर्द करके और अपने को किनारे कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जी ने ये महसूस किया है देर से ही सही, अच्छा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद अरुण कुमार, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।